नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं इधर बहुत ही ज्यादा आते हैं। और इधर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें होती है जो बता नहीं सकता हूँ, इधर ही सब कुछ वो लोग आके अपना करते हैं इधर। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी आपको बस जाने वाला हूँ थोड़ा सा और नजदीक और उधर से जाकर दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो में पूरा। पहली बात बता दूँ, इधर से अगर जो आप अगर जो उस साइड क्रॉस करते हो किसी भी माध्यम से, नाव के माध्यम से या किसी की चीज़ हेलीकॉप्टर के माध्यम से, आप इस दरिए को सीधा सीधा क्रॉस करते हो तो सीधा आपको जाने के बाद उधर कौन सा देश मिलेगा आप मैप में सर्च कर लेना, इंडिया के मैप के एकदम जस्ट उस साइड गुजरात। जैसे सर्च करेगा गुजरात की जिस लाइन पे अपना दरिया देखने मिला, उमरगाँव में मैं हूँ, और यहाँ से आप जैसे उस साइड क्रॉस करते हो तो आपको ओमान देश देखने के लिए मिलेगा, और उधर ही डायरेक्ट इधर से 14 दिन लगता है जाने के लिए। और जस्ट आपको एक लुक दिखाता हूँ, अभी बहुत ही अच्छा लुक दिखा रहा हूँ क्योंकि देख। तो गाइज आपको कैसा लग रहा है इधर देख के? इधर का बहुत ही अच्छा सीन है, जो कि आप उधर साइड में लुक देख रहे हो वो लुक बहुत ही अच्छा है। उधर आगे साइड मच्छी है, उधर मच्छी पकड़ा जाता है, और उधर ही आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ अलग प्रकार का, जिससे कि आपको बहुत सारे उधर बोट नाव देखने के लिए मिलेंगे, और उस नाव में आप घूम सकते हो, एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हो। और ये जो आपको दरिया देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही अंदर गहराई वाली दरिया है, और इधर से आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो में पूरा बने रहे। उधर से एक बोट आ रहा है जो कि आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, देखिए अभी उधर से एक बोट आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँ, मेरा फोटोज़ उतना क्वालिटी के अनुसार नहीं आ रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे आपको देखिए मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे से एक बोट आ रही है और बहुत ही बड़ा बोट है, तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा। और बाकी इधर लोग बहुत घूमने आए हैं, और इधर से उस साइड जाने में 14 दिन लगती है जो ओमान देश है। और देख रहे हैं समुद्र का पानी किस प्रकार से एकदम लहर करते हुए हमारे पास आ रही है, और इधर का हवा बहुत ही तेज, देखिए अभी हमारे पैर के पास आ चुकी है, आप देख सकते हैं अब मैं पानी में आ गया हूँ। देखिए तो जितना आपको वो एरिया दिख रहा है उधर ही मच्छी पकड़ा जाता है, और उधर आपको नाव बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, तो उसका ब्लॉग भी कभी ना कभी मैं ला के जरूर दूंगा। और बाकी इधर का आप सीन देख रहे हो, इधर जो है बहुत सारे दुकान्स हैं जो मतलब शॉप बोल सकते हो इधर घूमने के लिए है और खाने पीने के लिए, नाइट में इधर बहुत लोग आते हैं, और उधर जो एरिया है बहुत दूर तक जाता है। और यही रूट से आप जो होता है मुंबई का जो मुंबई सेंट्रल होती है, मुंबई जहाँ पे दरिया को देखने मिलता है, ये दरिया उसी प्रकार से इधर से रूट करते हुए गया है, तो आपको उधर मुंबई तरफ भी यही दरिया देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उधर दरिया का सीन कुछ अलग है, उधर का कुछ व्यू और आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इधर का आपको कैसा लग रहा है देखने में? और उधर अभी प्लेग्राउंड है, तो उधर बच्चों लोग का जो प्लेग्राउंड है उधर मैं आपको ले जाकर दिखाने वाला, और मैं इधर आ गया हूँ, देख सकते हो लहर है, बहुत ही अच्छा लगता है इधर। आप एक बार क्राउड एरिया जैसी होती है उधर पे जाओ, गोवा बीच पे भी एक बार आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, उधर ही जाने का बहुत जल्दी प्लान बन रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उधर जाके कि गोवा बीच का कुछ अलग ही सीन है, उधर नाइट में और ही मज़ा आता है इधर से ज़्यादा, क्योंकि ये सिटी एरिया है तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे भी जो पॉपुलर सिटी एरिया होती है उधर पर बहुत ही अच्छा सीन है, व्यू है जैसे मुंबई पर आपको दिखाने वाला हूँ। और बाकी इधर देख सकते हो बहुत पब्लिक आती है, बहुत ही अच्छा सीन है। बाकी उधर का प्लेस आप देख सकते हो, उधर भीड़ बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया है वो देखा। और इधर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं इधर बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और इधर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखने के लिए मिल जाता है, जैसे में बहुत सारा बातें होती है जो बता नहीं सकता हूँ, इधर ही सब कुछ वो लोग आके अपना करते हैं, इधर घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, बाकी बहुत सारा चीज़ें हैं आपको दिखाऊँगा वो लोग किधर मिलते हैं, इधर सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए आपको थोड़ा सा ब्लॉगिंग में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए इधर से देख लीजिए इस प्रकार से व्यू देखने के लिए मिल रहा है, और ये दरिए का है व्यू जो गुजरात आपको सीन दिख रहा है, इधर से आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल रहा है जो आपको देखें। और मैं अभी इधर ही हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर, और ख़ास करके मैं इधर ब्लॉगिंग करने ही आया था। उधर जो सामने है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर क्रिकेट अक्सर खेलते हैं लोग, जो होता है प्लेग्राउंड है, और आज इधर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाला है शाम में, जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ कि ब्लॉगिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इधर कुछ लोग देखे खेल रहे हैं, एक लेडीज़ है जो अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तो चलिए सीन दिखाते हैं कुछ अलग, हम भी थोड़ा ऊपर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। आगे तो बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ही दूर तक है वो, इधर से कैमरे में आप कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत ही अंदर तक है। फिलहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा, बाकी इधर साइड से और चल के आपको दिखा देता हूं। इधर झूला टाइप में दिखा ही दिया, देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्लेस इधर, आप कभी अगर मन करे तो आ सकते हो। और इतना जो आपको बैकग्राउंड में हवा सुनाई दे रहा है, इधर दरिए का हवा है, उसको मैं ब्लॉक नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैं अगर उसको ब्लॉक करूँगा तो मेरा भी साउंड म्यूट हो जाएगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये हवा बहुत ही तेज़ हो रही है, तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फ़िलहाल देख लीजिए,
ब्लॉग में देख सकते हैं। उधर आगे से बहुत अंदर जाओगे, बहुत अंदर ही से जाओगे तो आपको बहुत कपल्स मिलेंगे आज देखने के लिए, और बहुत वो लोग इंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल फिलहाल भाई का कोई नहीं, कब से अभी भाई अपना इंजॉय कर रहा है खुद लाइफ। तो यार ब्लॉगिंग में आप देख रहे हो बहुत ही इंजॉय होता है। इधर इधर आओ, अपना सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। फिलहाल तो मैं इधर आते रहता हूँ अक्सर, आए आपको ब्लॉग के माध्यम दिखा दिया ब्लॉग लंबा हो गया तो अब उससे हम अलविदा लेंगे थोड़ा, और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। फिलहाल मैं इधर तक आ गया हूँ तो देख लीजिए, इधर जो है आपको पब्लिक को बैठने के लिए चलने के लिए सारा कुछ दिया गया है। इधर से व्यू कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं और अगर इसी रास्ते से आगे चला गया तो भाई आपको कपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप उधर जाने की कोशिश नहीं करूँगा अभी फिलहाल। उधर भी कभी आपको घुमाऊँगा ब्लॉगिंग के माध्यम से। बाकी फिलहाल देख सकते हो इधर से क्या ही व्यू दिख रहा है भाई, खत्म भाई, मतलब कुछ कुछ समझ लो कि आपको बाय बाय टाटा गुड बाय गया।